अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी हैप्पी लवली मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जनाब कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जनाब ये बताइए, कल हमने क्या किया था? क्रिएटिव राइटिंग स्टार्ट की थी और ब्रेन स्टॉर्मिंग किया था हमने, कौन से टॉपिक पर कि स्टूडेंट्स वॉशरूम कब कब यूज़ करते हैं, इज़न्ट इट? चलें आज हम क्या करेंगे, उन वर्ड्स के अराउंड, उस वर्ब के अराउंड हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। तो इस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग। यस, हमने सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है? तो ड्राफ्टिंग में हमारा पहला सेंटेंस क्या होगा, फोर स्टूडेंट्स एंड थ्री स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, यानी कि ग्रुप वाइज बच्चे वॉशरूम जा रहे होते हैं, इज़न्ट इट? अच्छा, सेकंड क्या होगा, कब कब वॉशरूम जा रहे हैं, मॉर्निंग में भी जा रहे हैं, ब्रेक में भी जा रहे हैं, आफ्टर ब्रेक एंड बेल टाइम आर द टाइम गिवन टू ईच ग्रुप, यानी कि कुछ बच्चे जो हैं वो मॉर्निंग में भी जाते हैं, ब्रेक में भी जाते हैं, आफ्टर बेल भी जाते हैं, आफ्टर ब्रेक भी जा रहे होते हैं वॉशरूम्स में, इज़न्ट इट? यस। नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन, दैट इज सम स्टूडेंट्स गो टू टॉयलेटिंग ब्रेक टाइम। बहुत सारे बच्चे, मैंने आपको बताया था ना, कल हमने डिस्कस किया था कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा काम जो है वो कंप्लीट रहे, हमारा टाइम वेस्ट ना हो फजूल कामों में, तो वो क्या करते हैं, ब्रेक टाइम में टॉयलेट जाते हैं। तो ये हम इसका क्या सेंटेंस बनाएंगे, सम स्टूडेंट्स गो टू टॉयलेटिंग ब्रेक टाइम। ओके ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज वेरी फ्यू स्टूडेंट्स बिफोर गोइंग टू होम एट बेल टाइम, यानी कि घर जाने से पहले भी बहुत से बच्चे होते हैं जो कि वॉशरूम में हाजिरी लगाना ज़रूरी समझते हैं, है ना? शरारती के तौर पे आप लोग जाते हैं, सब पता है हमें। ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट वन, दैट इज इन द मॉर्निंग यूजुअली इन फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड स्टूडेंट्स गो टू टॉयलेट। भाई मॉर्निंग में फर्स्ट और सेकंड पीरियड में भी बहुत सारे बच्चे जा रहे होते हैं। अब ये नहीं पता होता ना कि बच्चे शरारत के तौर पे जा रहे हैं कि या फिर उन्हें वाकई में नीड है, और अगर टीचर रोकती हैं तो फिर परेशानी किसको होती है, बाद में टीचर को ही होती है। तो इसलिए टीचर्स नहीं रोकते और टीचर्स जाने देते हैं कि बच्चों को, कि कहीं ऐसा ना हो कि यानी कि बच्चे जो हैं वो यहीं पर ही कुछ कर दे, इसलिए आपने क्या करना है, टीचर्स आपको नहीं रोकते हैं और आप लोग को जाने देते हैं। Now we have very few go in every period. बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, उनको mentally होता है कि नहीं हमें जाना है, जैसे mentally तौर पे वो satisfy नहीं होते और वो हर period के बाद वो last में toilet की तरफ जाते हैं, ठीक है? अच्छा, now we have next one, that is the students of groups noted for 3 days and gave the finding in the data. अच्छा, ये groups students के जो group बनाए गए थे 4 to 3 students या 4 students के, उन्होंने ये observe किया था और ये data उन्होंने किसे provide किया था, अपनी teachers को, ये उनके reviews थे, ठीक है? अब कल हम क्या करेंगे, हम इसकी सीक्वेंसिंग करेंगे और फिर आपने इसे अपनी टीचर को एज एन असाइनमेंट के तौर पे सबमिट करवाना है। सो अब आप लोग क्या करेंगे, टीचर के साथ इन पॉइंट्स को ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।